तो आपने कभी लाइफ में पावर नहीं निकाली, कभी आपने आईसी पे काम नहीं किया, कंपोनेंट भी नहीं निकाला, आपने यहाँ पर लाइफ पावर निकाली है, यहाँ पर लगाया भी सीपीयू दे दिया है, यहाँ पर आखिर दिन क्या करके गए? आखिर डबल डेकर और एनजी प्रोग्रामिंग और नई प्रोग्रामिंग पूरी समझ के गए कि नहीं सर? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ में एक स्टूडेंट है कुमार तर्मन। तर्मन कहाँ से? हम नेपाल से। तर्मन नेपाल में क्या करते हैं आप? नेपाल से 3 साल से मोबाइल के फील्ड में। क्या करते हैं फील्ड में? क्या किस लेवल पे? सेल करता था। अच्छा, एसेसरीज आप सेल करते हैं और छोटी मोटी रिपेयरिंग जैसे कनेक्टर, माइक और स्पीकर ये सब लगा लेते हैं। तो आपको क्यों लगा कि आपको चिप लेवल पे जाना चाहिए? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया इसलिए मैं सोचा ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल होना चाहिए, सर्किट की नॉलेज चाहिए, आईसी की नॉलेज चाहिए। आपके फॉर्म भी आ रहे होंगे बनने के लिए, आते थे क्या फोन कि ये पावर आईसी का चेंज है, मतलब डेड फोन आते थे या बनने के लिए? बनने के लिए आते, वो नहीं होता। अच्छा, वो नहीं। तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। दूसरा बनाते बोलता था, कस्टमर मैं उधर लेके बनाया, ऐसे लगता था, बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं 1 साल से आने के लिए इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था। कैसे दूर रहते? कैसे दूर रहते? किसम दे रहा था उधर, दोस्त के भी पूछ रहा था किधर किधर गया। उधर मैं सिटी में रहता है, उधर मैं जिसका मोबाइल बना देता है वो बड़ा बड़ा टेक्नीशियन, उनसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से सीखे। वो लोग बताता नहीं था। हाँ, कहता था इंडिया गए, कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं बताता, नहीं बताते। फिर ऐसे ढूंढ रहा था। हाँ, मैं 2 साल से आपको फेसबुक में फॉलो है, डेली डेली लाइफ देखता था, वो आईफोन का रिपेयर करके साथ करता था, मैं पूरा डिटेल सुनता था। ये तक सीख रहे मेरे अभी उधर जाएगा मेरे इतना नॉलेज मिलेगा। हाँ, ये सोचा, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम चुना। इसलिए इसे टेलीकॉम चुना। तो आपने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं एक ऐसा कोर्स करने जा रहा हूँ जो 1 महीने का कोर्स है और जिसमें इतने घंटे की क्लासेस या जो भी है, तो उनको क्या डर लगा कि यार कहीं फंस ना जाओ, कहीं लुट ना जाओ ऐसा? ऐसे नहीं, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, मतलब बिंदास आया। बिंदास आया। कितनी तारीख को आए? मैं 25 तारीख की तरह। आज क्या तारीख है? 24 तारीख। मतलब लगभग 1 महीना आया आपको। तो आपने कभी लाइफ में पावर नहीं निकाली, कभी आपने आईसी पे काम नहीं किया, कंपोनेंट भी नहीं निकाला? आपने यहाँ पर लाइफ पावर निकाली है, यहाँ पर लगाया भी सीपीयू किया है, यहाँ पर आखिर दिन क्या करके गए? आखिर डबल डेकर और एनजी प्रोग्रामिंग और नैंड प्रोग्रामिंग पूरी समझ के गए कि नहीं सर? तो नैंड, इवन नैंड आपके सामने निकाल के भी बताइए कि कितनी हीट पे और क्या टेम्परेचर पे, मतलब एयर पे निकालना चाहिए उसको, सब कुछ। और मैं ब्लैक पिस्टेड कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं, ब्लैक मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी लाइफ में जिन्होंने रिपेयरिंग इस लेवल पे नहीं की है कि उन्होंने SMD हाथ में पकड़ी हो, SMD और कि एक IC को निकाला हो, एक IC को लगाओ, ब्लैक और ब्लैक पेस्टेड। EMC की बात करूंगा तो EMC का क्या रहा आपका? EMC कुछ पता नहीं था, पहला सब कुछ पता हो गया। ISP, मतलब अगर मैं कोई फोन आपको दूं, कोई कस्टमर आपके पास फोन लाया है जैसे ITEL का, और वो आपसे कहता है कि सर ये लोगो पर है, तो आप उसको बना लेंगे? बंदा बना लेगा, लोगो में एक बार चेक करके सब पता चल किधर से प्रॉब्लम है सब पता। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक फोन की ये बताओ कि मेन पावर है इसी ओके है कि खराब है, सिर्फ मेन पावर इतना बिना निकाले सिर्फ चेक करके, तो बता सकते हैं? चेक करके बता सकते हैं कि वो पावर सही है कि नहीं सही है? क्या बात है। तो मुझे बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है यहाँ से जाने का? इधर से जाने का, आप जितना इधर से नॉलेज मिलेगा उसको पूरा खेर करने का, 5-6 महीना तक पूरा। आप नेपाली लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं मेरे से? बिल्कुल, आप तो प्योर नेपाली हैं। आप नेपाली लैंग्वेज में थोड़ा सा अपने हमारे स्टूडेंट और हमारे व्यूवर्स को बताओ कि क्यों किसी स्टूडेंट को नेपाल से ज्वाइन करना है इसे टेलीकॉम, उसको क्या मिलेगा? नमस्ते, मेरा नाम कुमार तामाङ, मेरे घर धादिङ काठमाडौँ बस्छु, पसल पलङ्की काठमाडौँ छ। म चाहिँ 2-3 सालबाट यो मोबाइल फिल्डमा काम गरिरहेको छु। मोबाइल फिल्डमा काम गर्दा धेरै समस्याहरू आएको थियो, आफै नजाने कुराहरू अर्को पसलमा बनाउँथ्यो, अर्कोमा बन्दाखेरि आफूमा घाटा हुन्थ्यो, आफूलाई फाइदा हुँदैन थियो। अनि इन्स्टिट्युट खोज्ने क्रममा म धेरै इन्स्टिट्युट गरौँ, साथीहरूलाई पनि धेरै सोध्यो, कसैले भनेन, नभने क्रममा आफैले खोजेर म यहाँ जबलपुर एसिया टेलिकममा आएको। यो इन्स्टिट्युट एकदम राम्रो छ, तपाईँहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ भने अब नेपालमा कसैले हेल्प गर्नु नगर्नु सक्छ, तपाईँहरूले हेल्प चाहिन्छ भने मेरो नम्बर 98033-16031 पसल कलङ्की काठमाडौँ छ, पसलमा आउन सक्नुहुन्छ, मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एसिया टेलिकमसम्म आउनुलाई म हेल्प गर्न सक्छु, अनि मेरो अरू कुराहरू सिकेको कुराहरू सेयर गर्न सक्छु, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। राम्रो छ, एकदम 0 देखि एकदम 1 महिनामा हार्डवेयर सफ्टवेयर EMC पुरा कम्प्लिट हुन्छ, यसमा केही डाउट हुँदैन। दिनको 12-15 घन्टा पढ्नुपर्छ, मिहिनेत एकदम गर्नुपर्छ, मिहिनेत बिना चाहिँ यहाँ केही पनि हुँदैन।
प्र्याक्टिस चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो मेहनत चाहिँ आफै गर्नुपर्छ, यहाँ अरूले देखेर हुँदैन, आफ्नो कुरा चाहिँ आफै गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, आउनलाई ठिकै डाउट छ, बाटोको कन्फ्युज छ, मलाई पनि आउँदाखेरि बाटो एकदम कन्फ्युज भएको थियो, नयाँ हुँदाखेरि म अहिलेसम्म इन्डिया आएको थिएन, एकदम गाह्रो भएको थियो। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, इन्डिया आएन, आउनु चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु, म आउने बाटोदेखि लगाएर इन्स्टिट्युटसम्म सबै कुराहरू भनिदिउँला, राम्रो छ। ए यही छ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लोगों को लगता है कि वीडियो एडिटेड होते हैं, तो यहाँ पे दिखाओ जरा, ये देखो, ये लाइव बनाते हैं, ये देखो, ये अभी लाइव था, इसको पूरा लाइव ले लो, पूरा कंटिन्यूस लाइव, हाँ, तो इसको पूरा लाइव लो, ये लो। तो ये देखो, लोगों को लगता है ये लाइव, लाइव क्या ये बुलवाया जा सकता है क्या? नहीं नहीं सर, जब भी नहीं, एडिटेड में तो हम इनको बोलेंगे कि ये बोलो, वो बोलो, ऐसा बोलो, लाइव है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी, पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसा रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया कर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर, सभी बच्चों ने सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, that's